हापुड़ जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव भारती ने मंगलवार को अहम फैसला सुनाते हुए 13 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया। इनमें से 11 जमाती, एक ग्राम प्रधान और एक मदरसा संचालक हैं। जनपद हापुड़ के थाना पिलखवा पुलिस ने पिछले वर्ष कोरोना काल में महामारी फैलाने और पासपोर्ट का गलत इस्तेमाल करने का मुकदमा दर्ज किया था। लगभग 1.5 वर्ष तक चली सुनवाई के दौरान मंगलवार को न्यायाधीश ने अहम फैसला सुनाते हुए सभी अभियुक्तों को दोषमुक्त करते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। अधिवक्ता जमील अहमद, अधिवक्ता पराग सक्सेना और अधिवक्ता उमेद अली ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। ये पूरा मामला यह था कि ये इसमें 9 साथी थाईलैंड के थे और 4 इंडियन थे। इन पर इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने कोरोना फैलाया है और जमात की शक्ल में आए थे, जबकि ये अदालत ने बिल्कुल झूठा पाया है। तमाम गवाहों के सबूतों के बावजूद उसके बाद जो है ये सारा मामला झूठा पाया गया और इनको बाइज्जत बरी किया गया है अदालत। मामला 1 अप्रैल 2020 का है, जब पिलखवा पुलिस ने थाईलैंड के 9, रांची के 2 और गांव हावल के 2 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने थाईलैंड और रांची निवासी 11 नागरिकों को जमाती बताया और गांव हावल के प्रधान और हावल में स्थित मदरसा संचालक पर महामारी फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। अधिवक्ता पराग सक्सेना ने बताया कि ये लोग धार्मिक स्थल के दर्शन करने हापुड़ आए, जो कोरोना काल में यहीं फंस गए, जिन्हें गलत तरीके से फंसाया गया। मंगलवार को उन्हें बरी कर दिया गया है। ये पिछले जब कोरोना फैला था, कोरोना के समय में पुलिस थाना पिलखवा द्वारा हावल के एक मदरसे में कुछ लोग जो अपने धार्मिक दर्शन के लिए आए हुए थे और कुछ उसमें इंडियंस 4 लोग शामिल थे, उनको पुलिस ने महामारी फैलाने के लिए और पासपोर्ट का गलत इस्तेमाल करने के संबंध में उनको पकड़ा था और उनको क्वारंटाइन किया था और उनके ऊपर चार्जशीट लगाकर भेजा था। ये ट्रायल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा था और हमने और हमारे सीनियर साथी उमेद जी ने इसको कंडक्ट किया, हमारे साथी जमील भाई, हम तीनों ने इस मुकदमे को कंडक्ट किया और ऊपर वाले ने हमें इसमें सफलता दिलाई है। कानून की बहुत बड़ी आज जीत हुई है। पुलिस ने ये मामला जो रंजिशन और राजनीतिक के असर में इन पर झूठा बनाया था, अदालत ने इस मामले को बिल्कुल झूठा पाया है। किसी भी ऑफेंस में हमारे किसी भी अभियुक्त को दोषी नहीं पाया गया है। बता दें कि पुलिस ने महामारी फैलाने और कुछ पर पासपोर्ट का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज की। मामला न्यायालय तक पहुंचा और सुनवाई शुरू हुई। मंगलवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी को बाइज्जत बरी कर दिया। मामला यह था कि 9 लोगों को पकड़ा गया था, एक मदरसे से, हाबल के मदरसे से पकड़ा गया था और उस हाबल के मदरसे में इन लोगों को पकड़ करके इनके खिलाफ मुकदमा किया था। धारा 269, 270 और आरोप बता रहा हूँ ना, 269, 270 और 114A। इनका आरोप ये था कि इन्होंने जो है वो कोरोना फैलाया है और अपने पासपोर्ट का गलत इस्तेमाल किया है, ये इन पर आरोप था। तो अदालत ने ये माना है कि ना इन्होंने गलत इस्तेमाल किया और ना इन्होंने किसी को कोरोना फैलाया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयूब। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं रांची का रहने वाला हूँ। अच्छा, आज एक जजमेंट आया है आपके खिलाफ, कोई मुकदमा हुआ, तो क्या था पूरा मामला और आपको कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत खुशी महसूस हो रही है माशाल्लाह। फैसला आने के बाद सभी के चेहरे खिल उठे। अधिवक्ताओं ने न्यायालय के आदेश का स्वागत किया। मामले में दाहदा से सूटे, कलमी टकल, मामा खोटाई, जिनुद्दीन मदारी, वोचुरे अब्दुल्लो चेमा, अदुल लोंगकुनान, SEA यसो, मोहम्मद फाइद, अयूब अंसारी, मोहम्मद इरशाद, MD अयूब को बाइज्जत बरी कर दिया गया।